बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिश करी या फिश का सालन। वो जो है हमने जो है इसके लिए बासा फिले ली है और इसको इस तरह से काट लिया है। आप इसको किसी भी फिश में बना सकते हैं। आप इसको यहाँ पे नॉर्मली जो है वो आप तो बोन वाली भी मिलती हैं। अगर आपको बोन वाली में बनाना है बोन में बना लीजिए, ये बोनलेस है तो ये मैं उसमें बना रहा हूँ। तो ये तकरीबन हमने 1.5 किलो मछली ली है, ये 1.5 किलो फिले हैं। इसमें हमने 3 से 4 टमाटर लिए हैं और इनको इस तरह से काट लिया है। इसको आप किसी तरीके से भी काट सकते हैं, छोटे क्यूब्स में, बड़े क्यूब्स में। और हाफ कप जो है इसमें दही जाएगा। 4 से 5 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, इसका जो है वो शोरबा बनेगा। 3 से 4 हमने जो है वो बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं खुशबू के लिए, ये हम डालेंगे। सोया जो है हमने आधी गड्डी लिया है। सोया जो है वो फिश की जान होता है और इसकी वजह से फिश का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो सोया ज़रूर डालिए। तो सोया डलेगा, नमक हसबे ज़ायका होगा। लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है, अदरक पिसा हुआ अदरक जो है वो हमने 1 टेबल स्पून लिया है, पिसा हुआ लहसुन हमने 1 टेबल स्पून लिया है, काली मिर्च है वो 1 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भी हमने 1 टीस्पून लिया है। यह कसूरी मेथी और अजवाइन है, दोनों मिला के 1 से 1.5 टेबल स्पून है, ये हम इसके अंदर डालेंगे उससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर के लिए। मेथी दाना है, मेथी दाना भी 1 टीस्पून है, ये ज़्यादा नहीं डालते हैं नहीं तो ये कड़वा कर देता है सालन को। और थोड़ा सा लहसुन जाएगा जो हम फिश में लगाएंगे, लहसुन और ये हल्दी, यहाँ तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून लहसुन है, ये दोनों। और जो है और नमक हम फिश में लगाएंगे, लगा के इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसको पहले फ्राई करेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगी। तो चलो फिर हम अपना कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये फिश के अंदर जो है मैं ये जो मैंने लहसुन 1 टीस्पून रखा था वो, और हल्दी जो 1 टीस्पून हमने रखा था वो, और बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, जो हमने नमक निकाला है उसकी हाफ क्वांटिटी इसमें डालेंगे ताकि जो है वो ये अच्छे से इसको हम करके और 15 to 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाला है, इसी के अंदर हम जो है ये फिश को अपनी फ्राई करेंगे। फिश के अंदर ये जो हमने नमक हल्दी और लहसुन लगाया था उसको रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा हार्ड फ्राई करें ताकि जो है जब ये शोरबे में जाए तो ये चूर ना हो। वैसे भी ये मुझे लग रहा है काफ़ी पतले फिले हैं तो इनको थोड़ा सा हमें एहतियात से करना पड़ेगा। तो मैं ये फ्राई करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये अब इस तरह से देखें, हमने इसको हल्के हल्के फ्राई करना है और कोशिश करनी है कि इसको इतना फ्राई करना है कि ये जब शोरबे में जाए तो ये चूर ना। तो मैं इसको उलट पुलट कर रहा हूँ ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर हम इनको निकाल के रख लेंगे और फिर अपना सालन पकाना शुरू करेंगे जिसकी ग्रेवी है। अब ये हमारा जो आखिरी बैच था फिश का वो सारी फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसको निकाल रहा हूँ अलग प्लेट में। और इसके बाद ये देखें, ये इसको आपने बस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतनी फ्राई करनी है कि शोरबे में जाए तो टूटे नहीं। मकसद इसका फ्राई करने का यही होता है कि जब ये शोरबे, और ये शोरबे में बहुत एंड में जाती हैं, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी वो वाली फिश होती है बोन वाली, तो वो तो खैर बहुत ज़बरदस्त उसका सालन बनता है, इसका भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप ये बनाइए। तो अब मैं आपको इसके ग्रेवी की प्रिपरेशन बताऊंगा। अच्छा, जिस तेल में हमने फिश तली थी उसी में ही हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ताकि फिश का जो फ्लेवर है वो पूरा इसमें आए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है मेथी दाना। मेथी दाने को आपने हल्का सा तो नहीं, इसको थोड़ा सा जलाना होता है, भुनना होता है, क्योंकि इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। जो फिश बनाते हैं फिश के सालन में मेथी दाना ज़रूर डलता है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा जैसे भुना जाएगा क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी तेल के अंदर जिसमें आपने फिश तली है उसी में ही बनाएं तो आपको जो है वो फुल फ्लेवर मिलेगा। ये हमने जो प्याज आपको दिखाई पिस के, जो हमने पीस के रखी थी, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे।
क्योंकि ये इससे इसकी ग्रेवी बनेगी। अब ये देखो, ये अभी हम इस प्याज को पकाएंगे, थोड़ा सा इसको हम बस पकाएंगे और फिर इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाले ऐड करूंगा और मसाले को हम पहले भूनेंगे थोड़ा और उसके बाद फिर हम इसकी ग्रेवी बनने के लिए रखेंगे। तो जैसे जैसे कि पकता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्याज हमारा भूनते हुए तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट हो गए, तो इसमें अब हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक जो हमने रखा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक टेबल स्पून लहसुन और एक टेबल स्पून अदरक, ये दोनों पिसावा ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आपको प्याज जो है उसका कलर पीला इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने इसको मछली के तेल में ही बनाया है और मछली में आपने देखा था कि मैंने हल्दी और नमक डाल के और उसको बस फ्राई कर लिया था 15-20 मिनट रखने के बाद, तो इसलिए ये आपको नज़र आएगा। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी इसमें और जाएगी, मैं पूरी अभी नहीं डाल रहा, लाल मिर्चे, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये हमने इसमें डाल के अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और जैसे जैसे देखेंगे कि अगर मसाला हमारा जल रहा है तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है वो बिल्कुल भी इसमें इसका मसाला जले नहीं। ये देखिए मसाला भुना रहा है, तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो पहले नमक डाल देता क्योंकि नमक मैंने इसमें नहीं कर डाला था, अब हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक आप चख लिया करें, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो अपने हिसाब से उसको बढ़ाएं। अब क्योंकि इसके अंदर पानी थोड़ा कम है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो भुनाए। मसाले का बेसिकली हमें कच्चापन जो है वो दूर करना है, तो इसको अब हम थोड़े थोड़ी देर में पानी डालेंगे और इसको भूनेंगे। और अब थोड़ी देर में मैं अब इसमें दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर मैं टमाटर भी शामिल करूंगा ताकि टमाटर भी गल जाए। अब इसके अंदर जो है मैं ये टमाटर ऐड करूंगा क्योंकि टमाटर आपको पता है थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा, थोड़ा गलेगा भी, तो इसके अंदर हम टमाटर थोड़ी सी डाल देंगे। और इसको ढक के थोड़ी देर हम गलने के लिए छोड़ देंगे, जब ये गल जाएगा तो फिर इसमें दही ऐड करेंगे और फिर कुछ और चीज़ें भी इसमें जाएंगी, वो तो फिर मैं आपको जैसे जैसे ऐड करता जाता हूँ वैसे वैसे दिखाता जाता हूँ। अभी टमाटर हमारा जो है वो अच्छा खासा गल चुका है, लेकिन ये अभी थोड़ा हम इसको और पकाएंगे जब तक मैं इसके अंदर दही भी शामिल कर दूंगा ताकि दही भी जो है वो पक जाए और फिर हम उसको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को और फिर उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे कि हमें कितना शोरबा रखना है। तो अभी हम दही इसके अंदर डाल रहे हैं, टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो फिर और चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं जैसे कसूरी मेथी है, अजवाइन है और गरम मसाला है, ये ऊपर से जाएगा, काली मिर्च भी ऊपर से जाएगी, तो मैं अभी थोड़ी सी चीज़ें अभी इसमें शामिल कर रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर मैं अब ये काली मिर्च मैंने रखी थी वो डाल दूंगा और ये जो कसूरी मेथी और अजवाइन हमने मिक्स करके रखी थी वो हम इसी तरह से डालेंगे, इसको हम वो नहीं करेंगे अभी, मतलब चूरेंगे नहीं क्योंकि ये अभी वैसे भी मसाला पकेगा बहुत, तो ये हम इसी तरह से डालेंगे। और बाकी जो हरी मिर्चें हैं और सोया है वो थोड़ी देर के बाद जाएगा जब तक ये मसाला पक जाए, फिर हमको थोड़ा सा इसको भूनना है, तेज़ आंच करके हम इसको भूनेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा जो है वो फिश बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे क्योंकि फ़िश ऑलरेडी पकी हुई है, फ्राई हुई हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो ये अभी टमाटर आपको थोड़े से नज़र आ रहे होंगे कि मोटे मोटे हैं, तो इसको अब हम छोड़ देंगे इसी तरह से पकने के लिए और फिर आपको दिखाते हैं। अब ये आप देख लें इसको हमने जो है वो अच्छा खासा भून लिया और टमाटर भी जो है वो बिल्कुल इसमें हल हो चुका है, दही भी इसकी पक चुकी है और मसाला आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा खासा भुना गया, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा और फिर इसको थोड़ी सी देर हम और पकाएंगे 10 मिनट और फिर हम अपनी जो है वो
फिश इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पानी डालने के बाद मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगा ताकि हरी मिर्चों की थोड़ी सी खुशबू भी आ जाए। तो ये पानी इसके अंदर डाला मैंने। अब पानी हमने उतना रखना है जितना हमें शोरबा चाहिए, क्योंकि फिश के सालन में शोरबा होता है, क्योंकि जब फिश जाएगी तो वैसे भी ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि फिश जो है वो भी पानी इसका जो है वो सक करेगी, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब हमें इतनी ही ग्रेवी रखनी है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा ये हरी मिर्चें जो हमने काट के अलग से रखी थी, ताकि हरी मिर्चों की एक बहुत अच्छी से खुशबू आए। ये इत्तेफाक है, हमें थोड़ी सी ये बड़ी मिर्चें यहाँ पे मिल गई हैं, अमूमन वैसे मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से बड़ी मिर्चें यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि हमें मिल गई हैं। इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा और खुशबू आएगी जो फिश के सालन में ज़रूरी होती है। तो अब इसको 10 मिनट हम और पकाएंगे, जैसे ये तेल छोड़ना शुरू करेगा तो फिर हम इसके अंदर फिश अपनी ऐड कर देंगे, और फिर फिश डालने के बाद दोबारा इसको हमें थोड़ी देर पकाना होगा। अभी 10 मिनट और हो चुके हैं पकते हुए, तो अब ये जो मैंने फ़िश फ्राई करके रखी थी तो ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगा। फिश अब आप इसके अंदर डाल के और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, ऊपर से हम सोया डालेंगे और ये पूरी फ़िश इसमें चली जाएगी। फ़िश फ्राई पहले हम इसीलिए कर लेते हैं ताकि ये फिर चूर ना हो शोरबे में जाने के बाद, और कोशिश करें कि बर्तन भी ऐसा फैला वाले ताकि उसमें अच्छे से आपकी फ़िश जो है वो पके, क्योंकि अब जब फिश डाल देंगे तो फिर हम इसमें चम्मच बहुत एहतियात से लगाएंगे। तो अगर आप चम्मच लगाना चाहें चम्मच लगाएं, नहीं तो आप इसको हल्का सा हाथ से हिला के भी कर सकते हैं। तो अब देखें इसके अंदर जो है अब फ्लेवर और खुशबू आएगी फ़िश की, क्योंकि अब इसमें फ़िश जा रही है। तो ये मैं पहले फ़िश पूरी ऐड कर लूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने गरम मसाला रखा था वो हल्का सा अभी डालूँगा इसमें, ताकि गरम मसाले का भी इसमें एक हल्का सा फ्लेवर आएगा। ये हम अभी डाल देंगे, ये अब दम पे जाएगी 10 मिनट, इसको हमने 10 से 15 मिनट दम पे रखना है। और ये जो सोया हमने काट के रखा था ये भी अभी जाएगा, ताकि इसकी भी खुशबू इसमें अच्छे से रच बस जाए। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए पकने देंगे ढक के, ताकि ये अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। और जो आपको लग रहा फिश अभी ऊपर है उसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दबा दें, क्योंकि ज़्यादा शोरबा है वो नीचे जा नहीं रही है, वो जैसे जैसे पकेगी फिर वो नीचे चली जाएगी। दस मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। हमने फिश जो है वो दम पे रखी थी, अब जो है फिश बिल्कुल रेडी है, पक चुकी है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, और जो इसका जूस है ये भी सब में शामिल हो गया है। इसको आपने बहुत एहतियात से चलाना है, चाहें तो उसको खाली आप, एक ट्रिक ये भी है कि इसको इस तरह से पकड़ के हिला लें। वैसे ये इसको ढकने का मकसद ही यही होता है कि ये उससे गल जाती है। सोए की भी बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, फिश भी बिल्कुल रेडी है ये देखें। तो इसको मैं डिश आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इसमें ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें भी आपको समझ में आ ही रही होगी कि ये कितने मज़े की फ़िश बनी है। तो आप भी बिल्कुल बनाइए, इसी तरह से बनाइए। सोया ज़रूर डालें, क्योंकि फ़िश और सोया जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए एक साथ, उससे उसके अंदर बहुत मज़े का एक फ़्लेवर आता है सोए का। और ये देखें शोरबा भी इसका बिल्कुल अब तैयार है। तो आप बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं, खुद भी खाएं। इसको आप सादे चावलों के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, जिस तरह आपको खाना है। मैं बल्कि एक आपको फ़िश दिखा भी देता हूँ, ये ऐसे मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ये बिल्कुल गल गई है, ये देखें अंदर से पूरी जूसी भी है। और इसको तलते ही हम इसलिए कि ये चूर ना हो शोरबे में जाके, ये देखें। तो ये बिल्कुल वाइट, बिल्कुल इसका कलर आ रहा है, और जूस इसने पी लिया है, शोरबा बिल्कुल रेडी है इसका। तो ये मैं इसको अलग ही कर देता हूँ, नहीं तो ये इसमें मिक्स हो जाएगी। तो आप इसको बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। नेगेटिव चीज़ों को अपने करीब ना आने दें, कोशिश करें कि हर चीज़ में अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा हमेशा गुमान करें, क्योंकि अल्लाह ताला गुमान के साथ है। जैसा हम गुमान करते हैं वही हमारे साथ होता है।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होती है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।